अपने एक ट्वीट में पूजा बेदी जी ने एक बात कही है कि अश्लील हरकत या अश्लील सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रचार प्रसार कोई गलत नहीं है। ठीक है, पूजा जी को अगर पसंद करें हमें कोई विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन नागाओं के विषय में इस तरह का वक्तव्य देना यह गलत है। पूजा जी, आप पहले जानकारी लें कि नागा संप्रदाय है क्या, नागा साधु होते क्या हैं। आप कुछ बोलती हैं और जो भी बोलें उसके विषय में जानकारी लें। नागा साधु संन्यास परंपरा में, वैष्णव परंपरा में भी होते हैं और दिगंबर जैन परंपरा में होते हैं। वह एक त्याग की मूर्ति होते हैं। अपना काम क्रोध मोह सब छोड़ करके दिगंबर होते हैं। वो दिगंबर का मतलब यही होता है कि हम सभी बुराइयों से दूर और समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पण करते हैं। नागा परंपरा हमारी एक सदैव परंपरा है, अनादिकाल की परंपरा है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाई है। तो आप अपने शरीर को जिस तरह से चाहें उसका अंग प्रदर्शन करें, हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं इतने कहूँगा कि नागा के प्रणाम करने से, नागा के पैर को चरण स्पर्श करने से मन में शांति मिलती है, कोई मनोकामना हो वो पूरी होती है। और ऐसे लोग जो नगर प्रदर्शन करते हैं अपने फायदे के लिए या कहीं किसी का प्रचार करते हैं, आपको अगर कोई किसी तरह का समाज में इसका एक गलत स्वरूप पैदा होता है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि बयान देने से पहले कम से कम आप हमारी परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, नागा परंपरा के विषय में जानकारी आपको लेनी चाहिए। लगता है आपको मेले में नहीं आई हैं। अभी हरिद्वार में 2021 में मेला लग रहा है, आपको सादर आमंत्रित किया जा रहा है, आप आकर के उस परंपराओं की जानकारी लें।